हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनूज किचन। मीनूज किचन में आज मैं वो सब्जी बनाने जा रही हूँ जो सब्जियों का राजा है। जी हाँ, आलू। और जो साथ में है उसके सब्जियों को और भी बेहतर बनाने में मदद करती है वो है हमारी प्याज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आलू और प्याज की ऐसी सब्जी बनाने जा रही हूँ जिसे आप खाते ही उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, रोज हम बनाते तो है लेकिन आज मेरे तरीके से बना के देखिए। तो मेरी इस रेसिपी को अगर आप पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल पे जाके क्लिक कीजिए और मेरी रेसिपी के सारे नोटिफिकेशंस, उसके सारे अपडेट्स आप पहले पाएं, ताकि मेरी रेसिपी कोई भी आपसे छूट ना जाए। और सीखिए और बनाइए। तो आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ आलू और प्याज की, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है दही दो प्याजा आलू। तो फ्रेंड्स, इसके लिए लिए है मैंने तीन तरह के आलू, छोटे जो मटरी आलू होते हैं, मीडियम साइज़ के आलू और बड़े आलू। फ्रेंड्स, ये इसलिए लिए हैं जो ताकि आपको ये ना लगे कि मेरे पास तो मटरी आलू नहीं है, कैसे बनाएं। वो तीनों में चलेगा और उन्हें मैंने उबाल लिया है। ये छोटी छोटी प्याज है और एक टमाटर, और इसमें लिए है मैंने एक हरी मिर्च, आधा इंच टुकड़ा अदरक और दो टमाटर। इन तीनों को अब मैं दरदरा सा पीस लूँगी। ये फ्रेंड्स मैंने पीस लिया है और अब हम इसको बनाने की तैयारी करेंगे। एक फ्राई पैन में मैंने लिया है दो बड़े चम्मच जितना तेल। फ्रेंड्स, आप इसमें घी भी ले सकते हैं। और बड़े आलू को मैंने दो टुकड़ों में कर दिया है आपको बताने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तेल में को गर्म हो गया और इस तेल में डाल रहे हैं हम वो आलू जो हम शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करेंगे और इसमें गोल्डन ब्राउन की कोटिंग चढ़ाएंगे। ये हमने मिडल यानी मीडियम गैस पे रखे हैं और इसे दो तीन मिनट तक सेकने पर ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसकी गोल्डन ब्राउन की कोटिंग हो गई है और यही कोटिंग जो है हमारी सब्जी को स्वाद बना देगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हो गए हैं पूरे। अब आप इसे हम निकाल देते हैं और ये सिर्फ तीन मिनट में ही गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो चलो इसको अब निकालते हैं दूसरी जगह। और अब इसी तेल में हम डालेंगे हमारी वो छोटी छोटी प्याज। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे भी हम जो है धीमी आंच पे सेकेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। इस पर भी हम देखिए कोटिंग ले आए हैं। ये दो मिनट में गोल्डन ब्राउन की कोटिंग हो चुकी है और अब हम इसे भी अलग करके तेल से निकाल देंगे। और अब इसी तेल में हम सब्जी सोखेंगे। उसके लिए हम लेंगे एक चम्मच जीरा और जो हमने प्यूरी बनाई है दरदरी वाली टमाटर वाली, वो हम डाल के इसको सेकेंगे। अच्छी तरह से इसे हम पका लेंगे ताकि हमारी इस सब्जी में, इस प्यूरी में उसका कोई भी कच्चापन ना रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक मिनट हो गया है और ये हमारी जो प्यूरी है वो सिक गई है, अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसमें मैंने डाल दिए दो लाल सूखी मिर्ची, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच जितनी हल्दी, एक चम्मच जितनी लाल मिर्च पाउडर और ये डेढ़ चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, और ये है थोड़ा सा आधे से कम दालचीनी का पाउडर, और ये है गरम मसाला एक चम्मच, और हींग थोड़ी एक पिंच से ज़्यादा है तो आप भी उतनी डालिए। सारे मसाले को मिक्स करेंगे और ये अच्छे से पक जाए इसके लिए हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी से भी थोड़ा कम पानी, ताकि हमारा ये मसाला कच्चा ना रहे और जले भी ना, ताकि पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मिक्स करने के बाद, इसको पकाने के बाद पक गया है, आधा मिनट लगा। और अब मैंने डाल दिए इसमें कटे हुआ एक टमाटर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे गोल्डन ब्राउन किए हुए प्याज और आलू। इनको अब हम अच्छे से मिला देंगे और एक दो मिनट के लिए इस तरह से मिला के पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो है आलू प्याज अच्छे से मिला लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी जितना
घर का दही, आपके पास यदि छाछ हो तो आप छाछ डाल सकते हैं, मगर छाछ की क्वांटिटी आधी कटोरी रहेगी। ये मेरे घर का दही था, मैंने इसे अच्छे से मथ लिया था और इसमें पानी बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। यदि आपको इसमें पानी यानी कि ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं या दही, और इसको अच्छे से मिला लिया। और दही डालने के बाद फ्रेंड्स सिर्फ आधा मिनट ही इसको गैस पे रखना, वरना दही फट जाएगा। अब इसे धनिया पत्ती से सजाएं और सबको परोसे खिलाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे बना लिया है, गैस भी बंद कर दी है और ये अच्छे से बन गई है। लाजवाब, देखिए क्या खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बढ़िया बनी थी सब्जी, आप इस सब्जी को ज़रूर बनाएं। और बनाने के बाद आपको ये कैसी लगी ये मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।